हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मैथ्स। और यहाँ हम कर रहे हैं Chapter-3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.4, Question-2 और फर्स्ट पार्ट। हमने एलिमिनेशन मेथड देखा है। आपको अगर एलिमिनेशन मेथड का और भी अच्छे से जानना है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो 3.4 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आपको एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है इजीली आ जाएगा। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का भी लिंक डाल दूंगी मैं। तो अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहा है इसमें? एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है अगर उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो। ओके, तो देखते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन है ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तुम्हारा फ्रैक्शन क्या बन गया? एक्स अपॉन वाई बन गया। ओके, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। एड 1 टू द न्यूमरेटर, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1। हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसे सॉल्व अगर मैं कर लूं तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, इतना स्टेप वाइज जाने की तो जरूरत नहीं, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 का, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर पे ऐड कर रहा है, न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे तो डिनोमिनेटर पे 1 अगर ऐड करता है तो ये कितना हो जा रहा है? 1/2 हो जा रहा है। क्लियर? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो गया? 2x equals to y plus 1. कितना हो जाएगा? 2x minus y equals to 1. This is equation number 2. अब हमें ये दो equations मिल गए, हमें क्या करना होता है? अब सॉल्व करना होता है equations के लिए। चलो रीराइट करते हैं इसे, एक के नीचे एक लिख लेते हैं अच्छे से। x minus y equals to minus 2, this is equation 1, and 2x minus y equals to 1, okay, this is equation number 2. अब हम इसे क्या करते हैं? Elimination method solve करने के लिए हम इसे किसी चीज से multiply करते हैं ताकि coefficient equal हो सके, right? तो हम अगर x का देखें, x को अगर मुझे eliminate करना होता तो मैं क्या करती? इसको multiply by 2 करती, clear? लेकिन यहाँ पे हमें easily दिख रहा है कि y के coefficients क्या है? Same है, -1, -1, तो हमें कुछ multiply करने की जरूरत ही नहीं है। By subtracting equation 1 and equation 2, we get, क्या मिलेगा हमें? Subtract कर देते हैं, तो subtract करेंगे तो ये sign क्या हो जाएगा? Minus, ये sign क्या हो जाएगा? Plus, ये sign क्या हो जाएगा? Minus, cancel हो गया ये, ये कितना बच जाएगा? X minus 2X is minus X, और ये कितना हो जाएगा? Minus 3, तो X की value मेरे को कितनी मिल गई? X की value मिल गई मुझे 3 मिल गई, clear है? 3 है, तो अब हम इसको x equals to 3 पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, 1 में कर देते हैं। 3 minus y equals to minus 2, so minus y equals to minus 2 minus 3, that is minus 5, minus y equals to minus 5 हो गया, so y कितना मिल गया हमें? y equals to कितना मिल गया? y equals to 5 मिल गया। ओके, हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था क्या? फ्रैक्शन निकालना था, और फ्रैक्शन क्या था? x upon y, तो x कितना है? 3, और y कितना है? 5, तुम्हारा फ्रैक्शन कितना आ गया? 3/5, that is the answer, okay? Now let's take second part of question number 2, what it says, 5 years ago, मतलब क्या हुआ? Before 5 years, ago that means 5 years before, okay? तो Nuri was thrice as old as Sonu, तो suppose हम क्या कर लें, पहले let Nuri age is x and Sonu's age is y consider कर लें, okay? मैं एकदम शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको बस, लेकिन मैं बोलती जाऊंगी तो आप उसको समझते जाएंगे, ओके? तो नूरी का एज कितना है? x ले लिया हमने, x years, and सोनू का एज कितना ले लिया? y years. अब 5 years before की बात हो रही है, 5 years ago की बात हो रही है, राइट? तो अगो है तो फिर हम क्या कर लें? ये प्रेजेंट एज है x एंड y, तो बिफोर है मतलब x माइनस 5, ये कौन हो जाएगी? नूरी, और सोनू क्या हो जाएगी? y माइनस 5, 5 years before. और क्या बोल रहा है? नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो क्या है वो क्या है? थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, ओके, सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, ओके,
तो हम क्या लिख देंगे इसे थ्राइज ऑफ, सोनू की एज कितनी है y माइनस फाइव और नूरी की कितनी है x माइनस फाइव. 5 साल पहले की बात हो रही है. चलो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. x माइनस फाइव इक्वल्स टू 3y माइनस 15. ओके, सो x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये इस तरफ जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 5 दैट बिकम्स माइनस 10 x माइनस 3y. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन 1 मिल गया. ओके, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए कुछ और कंडीशन. 10 इयर्स लेटर, लेटर दैट मींस हैंस, मतलब आफ्टर दैट, आफ्टर 10 इयर्स. ओके, अगर ये नहीं बताता है कि आपको कहां से आफ्टर 10 इयर्स देखना है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, प्रेजेंट एज को ही. ठीक है, 10 इयर्स आफ्टर लिखा है तो नूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू क्या हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी. क्लियर, तो ये हो जाएगा. अब 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू हो जाएगी, दो गुना ज्यादा हो जाएगी सोनू के. ओके, तो नूरी की एज कितनी है, x प्लस 10, 10 साल के बाद इतनी हो जाएगी. ओके, सोनू की कितनी है, y प्लस 10. क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20. ओके, सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, इट बिकम्स 10 x माइनस 2y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें एलिमिनेशन सॉल्व करना तो आता है, रीराइट कर लेते हैं इक्वेशंस को. x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. ओके, क्या करें, x का कोएफिशिएंट हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है. ओके, तो हम इसे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं. एंटायर इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, तो जो भी साइन है वो नीचे वाले इक्वेशन के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ओके, तो x माइनस x इज जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y दैट इज माइनस y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 एंड माइनस 10 इज माइनस 20. तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई 20. ओके, y 20 मिल गया. तो अब हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इन दोनों में से कहीं पे भी रख देते हैं y की वैल्यू, हम 2 में रख देते हैं. पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दिया. तो x माइनस 2 इंटू 20 y की वैल्यू इक्वल्स टू 10. क्लियर, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 40 दैट बिकम्स x इक्वल्स टू 50. तो x किसकी एज थी, x थी नूरी की एज, तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, 50 इयर्स. ओके, x प्रेजेंट एज था और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, 20 इयर्स. क्लियर, तो हमें यही फाइंड आउट करना था, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू इज. हाउ ओल्ड पूछ लिया तो x और y की वैल्यू बस हम बताएंगे. ओके, अगर मैं यहाँ पे पूछती हाउ ओल्ड नूरी वॉज आफ्टर 3 इयर्स, तो नूरी की जो एज आती है हमारी, x जो आता हमारा, उसमें 3 ऐड कर देते, मतलब नूरी का एज कितना आया था, 50 प्लस 3 तो 53 बताते. क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको आंसर बताना पड़ेगा. यहाँ पे सिर्फ एज पूछ लिया है डायरेक्टली, आफ्टर बिफोर कुछ नहीं बोला है एज पूछते समय, तो हम डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू बता देंगे. ओके, क्लियर गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, व्हाट इट सेज, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. किस कोई सा 2 डिजिट नंबर है, सपोज हमने ले लिया AB. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कौन से प्लेस में, यूनिट प्लेस में है और ये किस में है, टेंथ प्लेस पे है, है ना. तो अगर मैं लिखूंगी बी इंटू 1 प्लस ए इंटू 10 तभी हो पाता है. जैसे मैं अगर लिख लूं 36, ओके, तो 6 इंटू 1 एंड 3 इंटू 10 टेंथ प्लेस में, इसलिए, और इनको ऐड करूंगी तो 30 प्लस 6 तभी मुझे क्या मिलेगा, 36. ऐसा होता है. तो अगर मैं वही चीज इनके साथ करूं, वेरिएबल्स के साथ करूं, ठीक है, कंसिडर करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही करना है. इसको बस ध्यान पे रखिए कि यही चीज हम कैसे करेंगे वेरिएबल्स के साथ. ओके, तो लेट यूनिट प्लेस पे हम क्या ले लें, x, और टेंथ प्लेस पे हम क्या ले लें, y. तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस और ये टेंथ प्लेस, जो भी नंबर आएगा हमारा वो ये बनेगा. क्लियर, तो हम क्या करें, ये यूनिट प्लेस में तो मल्टीप्लाई बाय 1 और ये टेंथ प्लेस में तो मल्टीप्लाई बाय 10, अभी बताया था मैंने, है ना. तो x into 1 और y into 10, तुम्हारे पास नंबर क्या बन गया, 10y plus x बन जाएगा, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर बन गया. जो भी आंसर आएगा x और y का, इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा,
नंबर मिल जाएगा जो टू डिजिट नंबर की ये बात कर रहा है. ओके तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं आपस में ही, ओके, डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब टू डिजिट नंबर का जो सम है वो कितना दिया है 9, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दे दिया. ओके ये पता चल गया हमने टू डिजिट नंबर ले लिया है ना, एक्स और वाई ले लिया टू डिजिट्स के लिए, दिस इज ओके क्लियर. अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब वाई एक्स, और वाई एक्स को हम क्या लिख रहे हैं 10y प्लस एक्स. ओके दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अब इसका रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर मतलब क्या होता, एक्स वाई होता, एक्स वाई होता, एक्स अब 10 प्लेस में तो 10x लिखते और वाई वंस के प्लेस में तो वाई लिखते, तो रिवर्सिंग ऑर्डर में ये क्या बन गया 10x प्लस वाई बन गया. आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ओके अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ओपनिंग अप कर लेते हैं, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, क्लियर. तो अब ये कितना हो गया, x को और y को एक जगह पे हम रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9, ओके 20x इधर माइनस में आ गया 9x, और ये क्या है प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0, हो गया इतना. अब x x वाले को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो माइनस 11x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 बस माइनस हुआ ना, तो 88y इक्वल्स टू 0, क्लियर है. तो अब अगर मैं इसे क्या कोशिश करूं x और y के टर्म पे लिखने की, या कैसे भी एलिमिनेशन बोला था, एलिमिनेशन फॉर्म में ही जाएंगे हम, ठीक है. तो हम लिख लेते हैं इसे 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, बट इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है इसलिए हम एलिमिनेशन से करेंगे. और फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर लें, इक्वेशन नंबर, एक काम कर सकते हैं इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 11 कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा. 0 को डिवाइड करेंगे 11 से तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 3. अब हम रीराइट अगर कर लें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है दिस, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है इतना. ओके अब अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ओके सब्सट्रैक्ट करूं तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, क्लियर है. तो ये क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 8y और 9y, 9y हो गया, और ये 9 माइनस 0 इज 9, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई 9 अपॉन 9, वन जा 9, वाई इक्वल्स टू 1, ओके ये मिल गया 9 वन जा 9 वन जा, वाई इक्वल्स टू 1 मिल गया. तो अब इसमें पुट कर दो, नहीं तो इसमें पुट कर दो, या फिर सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है. हम फर्स्ट में पुट करते हैं वाई इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ओके तो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 9, सो एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 8 मिल गई, क्लियर 8 मिल गया x, y मिल गया 9. हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें क्या बोल रहा है फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है. नंबर हमारे पास क्या लिखे थे हमने, y x लिखा था हमने नंबर, है ना, y x लिखा था, तो y क्या है हमारे पास 1 और x क्या हमारे पास 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा नंबर क्या हो गया 18 हो गया. ओके हमारे पास जो नंबर आना था उसका आंसर है 18, क्लियर. कम टू पार्ट 4th, ओके क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4th क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000. मीना एक बैंक पे गई और 2000 रुपए निकालने के लिए. ओके शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट. उसने क्या बोला कैशियर को कि आप मुझे 50 रुपीज के नोट दो और 100 रुपीज के ही नोट दो. ओके तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, लेट 50 रुपीज नोट बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट बी वाई. ओके तो अब हमें ये पता है, अब क्या बोल रहे हैं, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. अब उसे ये दोनों नोट्स मिला के टोटल नोट कितने मिल गए, 25 मिल गए. ओके तो 25 नोट्स मिल गए इसे, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू 25 लिख सकते हैं, क्लियर. अब और क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शिवल. अब 100 के नोट्स कितने थे और 50 के नोट्स कितने थे ये भी देखना है. तो हमें और भी क्या पता है, 50 रुपीज के कुछ नोट्स थे और 100 रुपीज के भी कुछ नोट्स थे, है ना. तो हमें ये मिला है और इसको मिला के कितने रुपीज हो रहे हैं, 2000 रुपीज हो रहे हैं. 2000 रुपीज ही निकालना है उसे,
क्लियर। तो हम इसे क्या कर लें, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर वन बन गया। इक्वेशन नंबर टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 50 से डिवाइड होगा। ओके तो 50 से डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू ये कितना जाएगा 0 एंड 40। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ वी गेट टू इक्वेशन, x प्लस y इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। हम यहाँ देख सकते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा हम क्या कर दें, माइनस कर दें दोनों इक्वेशन को बाय सब्सट्रैक्टिंग, लिख सकते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू। ओके या इक्वेशन वन बाय टू या इक्वेशन टू बाय वन, एनीथिंग। ओके तो हम क्या मिल गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, और ये क्या मिल जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी क्या हो गया माइनस। ये कितना मिल गया, माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 25, तो माइनस तो हम करेंगे यहाँ से। एक्चुअली लिखा क्या है, 25 माइनस 40 लिखा है ना, तो हम तो बड़े नंबर से ही माइनस कर सकते हैं, तो हम करेंगे 40 माइनस 25, क्योंकि प्लस माइनस क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, हमें मिल तो जाएगा 15, लेकिन हम आंसर 15 लिखेंगे या माइनस 15, हम लिखेंगे माइनस 15। क्यों, क्योंकि हमारे पास हम हमेशा साइन किसका कैरी करते हैं, जो भी बड़ा नंबर रहता है। 25 और 40 में से बड़ा नंबर क्या है, 40 है, तो हमने माइनस साइन 40 का कैरी किया है। ओके तो y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब y इक्वल्स टू 15 पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। ओके तो कितना मिलेगा, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, सो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 दैट बिकम्स हाउ मच, दैट बिकम्स 10। तो x कितना मिल जाएगा हमें, 10 मिल जाएगा। ओके तो अब हमें x क्या मिल गया, x मिल गया कितने, 50 रुपीस के नोट थे। x इज व्हाट, x है 50 रुपीस नोट वाले, और y क्या है हमारे पास, 100 रुपीस नोट वाले। ओके तो 50 रुपीस के नोट हमें कितने मिल गए, 10 मिल गए, तो 10 मिल गए तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 500 रुपीस हो जाएंगे। और 100 रुपीस के नोट हमें कितने मिल गए, 15, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1500 अमाउंट हो जाएगा। 1500 और 500 कितना हो गया टोटल, 2000, इतना ही निकालने गई थी। तो हमारा क्वेश्चन का ये जो आंसर है, x equals to 10 which is 50 rupees, for 50 rupees के नोट कितने हैं, 10 नोट है, और y equals to 15, 100 rupees के कितने नोट है हमारे पास, 15 नोट्स हैं। ओके दिस इज द आंसर। इसमें यही पूछा है ना, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 rupees, 50 rupees के कितने नोट्स आ गए, 10, और 100 rupees के कितने आ गए, 15, दैट्स द आंसर। Now come to question number 2, part 5th. Okay, थोड़ा सा अजीब लगेगा question आप लोगों को, देखते हैं लेकिन क्या है। A leading library had a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. क्या बोल रहा है? एक library है जो कि starting के 3 days के लिए fixed charge रखती है, suppose x, okay? और उसके बाद जितना होता है उसमें per day charge लगाती है, suppose y. तो हम क्या ले लें, For the first three days charge, okay, that is fixed, okay, b x and charge per day b y, okay. तो हमने ये consider कर लिया x and y. अब क्या बोल रहा है, सरिता paid 27 rupees for a book kept for 7 days. अब सरिता ने 7 days के लिए book रखा, उसमें से 3 days के लिए क्या हो जाएगा, वो तो फिक्स चार्ज हो जाएगा, और बचा हुआ क्या है, बचा हुआ कितना डेज बच गया, 4 days बच गया, तो 4 days के लिए क्या हो जाएगा, वाई चार्ज हो जाएगा। तो 3 days के लिए एक्स चार्ज और बचे हुए 4 days के लिए वाई चार्ज, कितने रुपीज पे करना पड़ा उसे, 27 रुपीज पे करना पड़ा। ओके तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाइल सूजी पे 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. अब सूजी ने क्या किया, सूजी ने 5 days रखा है, ओके तो 3 days तो फिक्स के लिए हो गया, बचा कितना डेज, 2 days बच गया, तो x for 3 days plus 2y for extra 2 days equals to कितना, 21 rupees, क्लियर है, ये दो इक्वेशन मिल गए। अब बस हमें एलिमिनेट करना है और क्या है ना, एलिमिनेट करने के लिए हम देख लेते हैं, दोनों में कोएफिशिएंट x का सेम है तो हमें कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर दें, माइनस कर दे दोनों इक्वेशन को। ओके इक्वेशन 1 से माइनस कर दो इक्वेशन 2 को, तो हम अगर माइनस कर दे तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस कर दिया तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इट
got cancel x2x और ये 4y minus 2y is 2y equals to ये कितना हो जाएगा 6 so y what we get 6 by 2 that is 3 y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई ओके अब इस y को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में ओके पुट इन इक्वेशन नंबर 2 तो x plus 2 into 3 equals to 21 x plus 6 equals to 21 x equals to 21 minus 6 इधर जाके माइनस हो गया क्लियर तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 x equals to कितना आ गया 15 तो फिक्स चार्ज क्या है 3 डेज के लिए 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज कितना हो गया जो फिक्स चार्ज है लाइब्रेरी में एक बुक कैरी करने का वो है 15 रुपीस और पर डे हर एक दिन के लिए पर डे जो चार्ज बढ़ता जाएगा वो कितना है 3 rupees. यहाँ पे वही बोला था. Find the fixed charge is 15 rupees and the charge for each day extra is rupees 3. Clear है? This is completed here. Exercise 3.4. हम next video में मिलेंगे in exercise 3.5. Students, same type के questions example में भी हैं. आप try जरूर करिए. जितनी ज़्यादा practice करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थैंक यू